वस्तुते महादेव स्वयं श्रावण मास में अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को अपनी भक्ति का फल देते हैं। पंकज जी को, जो मेरे बहुत प्रिय हैं, उनकी भक्ति से, उनके भाव से, उनकी सामाजिकता से मुझे बहुत प्रेम स्नेह रहता है, उनको जो ये आज पशुपति अखाड़े से महंत की उपाधि मिली है, वस्तुतः ये महादेव की प्रेरणा है। महादेव ऐसा चाहते हैं, मेरे महादेव की सोच है कि जो व्यक्ति उनकी कृपा का पात्र बने वो उनकी भक्ति को, उनके भक्ति के मार्ग पर लोगों को, युवाओं को लगाए। और विशेष तौर पर जैसा मैं कह रहा था कि युवाओं में से उनका पार्श्विक भाग, उनकी पार्श्विक सोच हम सब में होती है, वह समापत की ओर हो और देवत्व का भाव जागृत हो, यही आज कैलाशपति महादेव ने कृपा का प्रसाद प्रिय पंकज को दिया है। आज आदि शंकर कैलाश पीठ गोदावरी नेपाल पशुपति अखाड़े से परम पूज्य गुरुजी गौरी शंकराचार्य जी के आदेश पर गाजियाबाद से श्री पंकज त्यागी जी को श्री महंत मार्कंडेय जी की उपाधि देने के लिए मुझे आदेश हुआ और उसी कड़ी में मुझे गाजियाबाद आना हुआ और पंकज जी को इस उपाधि से हम लोगों ने सम्मानित किया है। पंकज जी निरंतर समाज सेवा का कार्य करते रहे हैं। इनका स्वरूप संतों की तरह दिखता भी है और करते भी हैं। बस अब इनके लिए इस दायित्व को देकर जो आज की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो हमारी पीठ, हमारे गुरुदेव, सभी लोग एक चीज़ पर कार्य कर रहे हैं। ये सावन का पवित्र महीना है, भगवान भोलेनाथ जी का महीना है, जैसा गुरुजी ने बताया कि वो जब चाहेंगे महादेव को अपने कार्य करने के लिए जिसकी ज़रूरत है, जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं उनको अपने आप लेके चले जाएंगे। तो महादेव का आदेश था, प्रभु भोलेनाथ के आदेश पर आज पंकज जी को दायित्व दिया गया है। पंकज जी माँ गंगा की शुद्ध स्वच्छता और निर्मल धारा के लिए हमारा एक पूरा भारत व्यापी आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए भी जिम्मेदारी सबको चितवाइज दी जा रही है, वो कार्य भी है। और सभी चीज़ों में पंकज जी अपना अब एक नए रूप में, क्योंकि आज से और बाकी 25 तारीख को पूरे विधि विधान के साथ आपकी दीक्षा समारोह रखा गया है, जो कि हमारा नैनीताल में बेताल घाट में जो हमारा मेन आश्रम है वहाँ सारी व्यवस्था रखी है, वहाँ पर हम पूरी तरह दीक्षित करने का भी कार्य करेंगे। देखिए, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो मुझे भोले बाबा का आशीर्वाद मिला है, और आज जैसा कि मेरे महामंडलेश्वर जी और आदरणीय गुरु जी ने, मैं नाम नहीं लूँ लेता हूँ क्योंकि वो गुरु हैं और वो महामंडलेश्वर जी हैं, इसलिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो मेरे गुरुओं ने सोचा है मैं उसको नीचे नहीं आन दूँगा, बढ़ाऊँगा।